नासर की दुल्हन देख ले मारूंगी। अरे ये तो नासर के प्यार में दीवानी हो गई है, अब मारने लगी है बिचारी। सीमा आओ बाबा, तुम्हारा खत आया है। मेरा खत? हाँ हाँ, अंधा तो मियाँ का है शायद। ना जी का, तुमने कहाँ से लिया है? मुझे ढाक बाबू ने दिया था। कहा था छोड़ दो। तुम तो 3 महीने लगा दोगे खत पढ़ने में। वाह, 3 महीने क्यों लगाते, 2 महीने में पढ़ देंगे। ना बाबा ना, तुम छुट्टी करो। तुम्हारी मर्जी, चलो बस भूलना। क्या लिखा खत में? माशाल्लाह माशाल्लाह, चंदे आफ्ताब चंदे माताब, जिस कदर तारीफ सुनी थी उससे कहीं ज्यादा हसीन पाया मेरी जान। लो कर लो बात। चंदा भाई, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि सरकार ने तुम्हें कबूल कर लिया। कसम पैदा करने वाले की, तेरी किस्मत का फाटक खुल गया चंदा भाई। हम हसीन चीजों के कदरदान है चंदा भाई, बस तुम हमारी हो जाओ। अरे बताना क्या कुछ लिखा है खत में? लिखा है सीमा, तू मुझे बहुत याद आती है, तेरे बिना शहर में एक पल दिल नहीं लगता मेरा। पर तू भी तो उसे याद करती है ना। तू क्या जाने, मन ही मन में मैं उसे कितना याद करती हूँ। सांस लेती हूँ तो जुबान से उसी का नाम निकलता है। अरे तो तुम लिख देना कि 2-4 रोज के लिए गाँव आ जाए, वो तो आज शाम खुद आ रहा है। अच्छा ये भी लिखा है खत में, उसकी सालगिरह के जश्न में जाएगी ना? नहीं रेशमा, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ चौधरी होता है ना, तो फिर क्या हुआ, वो मुझे बुरी नजर से देखता है। ये तूने कैसे जाना? लड़की चाहे कितनी ही भोली क्यों ना हो, मर्द की बुरी नजर फौरन पहचान लेती है। पगली कहीं की, इतनी तार तो बात भी क्या होता है। सालगिरह पे जाओगी ना? अच्छा चलूंगी। Thank you.
गगने पड़ पाए रे, शाम पिया नहीं आए रे, आई आई शाम पिया नहीं आए रे। मेरी तरह बेकरार है चंदा, न जाने आज रात इतनी लंबी क्यों हो गई है। क्या बात है बेटी, तू अभी तक जाग रही है? कुछ नहीं बाबा, ये रात अभी कितनी बाकी रह गई है। अपने वक्त पर रात ही बीत जाएगी बेटी, तू जा जरा मेरे लिए पानी ला। अच्छा बाबा। जीती रहो, अब सो जाओ बाबा। सो ही जाऊंगा बेटी। ज़नानिया की जंग हरगिज हरगिज खेल नहीं होती, ज़नानिया की जंग हरगिज। ओए सीमा, सीमा, ए सीमा, सीमा जी। अरे जुम्मन तू? हाँ मैं, पर तू क्या सारी रात यहीं सोती रही है? पानी भरने आई थी, आंख लग गई। हाँ ये किसी ने बिल्कुल सच कहा है, जवानी बड़ी मस्तानी होती है, पर कसम पैदा करने वाले कि तुझे इस तरह सोते देखकर मेरे दिल को धक्का लगा। पर तुझे क्या? हाय तू समझती क्यों नहीं, मुझे तेरे साथ वो हो गई। वो क्या? अरे वही जो सीरी को मिस्टर मजनू के साथ हो गई थी और वो जंगल में पुन्नू पुन्नू पुकारती फिरती थी, पुन्नू हाँ पुन्नू हाँ पुन्नू। और लैला ने जिसके खातिर रांझे के लिए कच्चे घड़े पे बैठ कर दरिया रावी में जान दे दी थी, और सोनी ने जिसकी खातिर मिर्जा साहब के तीर तोड़ दिए थे। अच्छा तो तुझे मुझसे मोहब्बत हो गई है? हाँ सीमा, कसम पैदा करने वाले की मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हाँ अच्छा मैं अब चला, मुझे ना उठाए तुझे। मैं हाँ हाँ अच्छा अब हम चले हैं। तेरा सत्यानाश।
मैं कब से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। गाड़ी लेट हो गई थी सीमा, मेरे बस में होता तो मैं उठकर तुम्हारे पास पहुँच जाता। शहर जाकर तो अपनी सीमा को भूल ही जाते हो ना। क्या कह रही हो सीमा, मैं और तुम्हें भूल जाऊं? तुम तो मेरी जिंदगी हो। हाँ एक बात याद आई सीमा, आज मेरी सालगिरह है, तुम आओगी ना? मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आओगी नहीं आओगी? हट सरकार, अब आ भी जाइए। अच्छा सीमा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। तुम आओगी ना? आऊंगी। शराब टेप पे डाली, कबाब टेप पे, नासिर अभी तक नहीं आया। अबे जुम्मन सरकार, अरे तू कहाँ मर गया था? सरकार आज सवेरे ही सवेरे आपके लिए चिड़िया को दाना डाल दिया था। आज झूठा जाएगा। सच्ची सरकार, आपके सर की कसम, उसकी सहेली आज ही काम खराब हो गया। अब फिर क्या हुआ? काम ही खराब हो गया सरकार। अरे ये तूने होलिया क्या बना रखा, ये मट्टी खाने लगाई है, मट्टी फटन लग गई। सरकार ना जी। आओ फजलू भैया। अच्छा तुमने सुना, छोटे सरकार आए हैं। छोटे सरकार आए हैं? आ गए हैं। यही खबर सुनाने के लिए तो मैं तुझे उड़ीकता फिर रहा हूँ, और तू यहाँ ट्यूबवेल पे मंजिल ढाई बैठी। जानती हो क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर नाजी नाचेगी तो मैं सालगिरह मनाऊंगा, वरना नहीं। तो फिर मैं जरूर नाचूंगा। हाँ हाँ जरूर। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? आज नासिर भैया की सालगिरह है ना बाबा, क्या तुम जश्न में नहीं जाओगे? अरे मैं कहाँ जाऊंगा, ये तो सब पेट भरे की बातें हैं बेटा। चलो बाजी हम तो चलें, सारी सहेलियां तुम्हारी राह तक रही होंगी। अरे तुम अभी यही हो, वहां तो नाच शुरू हो गया होगा। मैं वहां नहीं जाऊंगी। तुम जाओ बेटा, मैंने तुझे थोड़ा मना किया है, सिर्फ मैं नहीं जाऊंगा। चलो बाजी हम चलें। अपने यहाँ है बेगाने, मैं आई तुझे
कैसा रहा बेटी? बहुत अच्छा रहा बाबा, खूब नाच गाना हुआ। तुम वहाँ से एकदम क्यों चली आई बाजी? बस चली आई। क्यों, क्या हुआ बेटी? बात ये थी बाबा कि मेरे सर में दर्द होने लग गया था। अच्छा सफेद। अबे जुम्मन, आज मुझे अपने बाल सफेद देखकर पहली मरतबा एहसास हुआ है कि अपनी जवानी बुढ़ापे की दहलीज पर दस्तक दे रही है। कसम पैदा करने वाले की क्या बात की है, असल जवानी तो अब आई है सरकार पे। वो कैसे? आप इस मतबा शादी के लिए हाँ कर दे तो 1001 रिश्ते आ गए लड़कियों के। क्यों बे कैकड़े? ले देखा, आजकल तो सदर बाला का कोई डर होता ही नहीं। झूठ तो नहीं बोलते? अरे नहीं सरकार, आप हाँ तो करके देखिए। लेकिन जिससे हम शादी करना चाहते हैं उसे हासिल करना बड़ी मुश्किल बात है। नाम आप बताइए, लाना मेरा जिम्मा। तो सुन लो, उसका नाम सीमा है। सीमा? हाँ। आएगी, जरूर आएगी, पर सरकार मेरा इनाम है। अरे तू इनाम की सोच रहा है? अब मैं तो तुझे नौकरी से बर्खास्त करने की सोच रहा हूँ। डर गया, डर गया। अरे तुम इस बेचारी भोली को चारा डाले बगैर ही चली गई। जाओ इसको चारा डालो, वरना ये तमाम रात चीखती रहेगी। ये भोली नहीं, बड़ी चालाक है बाबा, इससे जितना भी चारा डालो उतना ही कम है। अच्छा डाल दे। जानवरों की भोली तो तुम्हें खूब आती। आज चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं ये चांद, और चांदनी भी तुम्हारा ही अक्स है सीमा। शहर जाकर बातें बनानी तो खूब सीख ली है। मुंह देखे कि मोहब्बत तो कोई तुमसे सीखे। खुदा गवाह है सीमा, तुम्हारे बगैर शहर में एक एक पल काटना मुश्किल हो गया था। तन्हाइयां डसने लगी थी मुझे। तुम्हारे बिना मैं भी तो यहाँ तड़प रही थी। अब तो शहर नहीं जाओगी ना? शहर तो जाना ही होगा सीमा, लेकिन जब लौट कर आऊंगा तो फिर हमेशा के लिए तुम्हारा ही हो जाऊंगा। खबरदार। अच्छा अब मैं चलती। मैं सुबह यही तुम्हारा इंतजार करूंगा सीमा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं तो कहती हूँ नासिर अब नहीं आएगा। मेरा नासिर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बाबा तुम इंतजार करो, मैं तो चल जाइए। सीमा माफ करना, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। तुम्हारा इंतजार तो मैं जिंदगी भर कर सकती हूँ। जानती हूँ मैं तुमसे क्या कहने आया हूँ। सुबह से मेरी बाई आंख फड़क रही थी। मैं समझ गई कि तुम आज शहर जरूर जाओगे, यही बताने आए हो ना? हाँ सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ। कुछ दिन और नहीं रुक सकते? इम्तहान खत्म होते ही हमेशा के लिए लौट आऊंगा, फिर हम कभी जुदा नहीं होंगे। जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद करो। अब देखो। अंगूठी? हाँ सीमा, ये अंगूठी हमारे खानदान की बहू को पहनाई जाती है। अब तुम मेरी हो। ये अंगूठी पहनाकर मैंने अपने और तुम्हारे दरमियान तमाम फासले खत्म कर दिए। अब तुम मेरी अमानत और इज्जत ही नहीं, हवेली की बहू भी हो। मुझे मुस्कुराकर रुखसत करो सीमा, मैं जाते हुए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। सरकार
आइए, सारी निकल जाएगी। मुस्कुराओ, हंसो, शाबाश। खुदा हाफिज़। आगे जाइए। लो बाबा, रोटी खा लो। जीती रहो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई जुम्मन, खाना खा लो। ना बाबा, मैं तो खाकर आया हूँ। थोड़ा सा तो खा लो। अच्छा, तेरे ख्याल से खा लेता हूँ, कहीं खफरा हो जाए। बिस्मिल्लाह। बाबा, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी? हाँ, तुम्हें चौधरी जी ने बुलाया है। चौधरी जी ने बुलाया है? वही कर्जे की बात है ना? अरे नहीं, कुछ और ही बात है। बाबा, सीमा तो देखते ही देखते जवान हो गई। पर तुझे क्या? तूने तो बस खफा ही होना सीखा है। कसम पैदा करने वाले की, कभी तो हंस के भी बात कर लिया कर मुझसे। बेटी, ये तेरा भाई है। भाई ऐसे होते हैं? नहीं तो, दो सील होते हैं भाइयों के सर पे। होते होंगे। कसम पैदा करने वाले की, तू मुझे अपना समझे ना समझे, पर मैं तुझे गैर नहीं समझता। बाबा, पर तुझे चौधरी ने क्यों बुलाया है? पता नहीं, क्या काम है मुझसे? बड़े आदमी गरीबों को बगैर मतलब के कहां याद करते हैं। अब तू याद कर लिया ना बाबा, बस चल पड़ो बिस्मिल्लाह कह के। लो बेटी, मैं अभी आया। चलो भाई। बाबा कहाँ गए हैं बाजी? चौधरी ने बुलाया है। चौधरी ने बुलाया है, पर वो क्यों? लो कल्लो बात। हुजूर, जुम्मन भी शेरू चाचा को लेके बस आता ही होगा। भाई मक्खन। बाबा, शेरू को ऐसा मक्खन लगाओ कि वो सीमा को हमारे दिल की रानी बना दे। सरकार, वो शेरू बाबा आ गया। अब भाई शेरू, अंदर आ जाओ। सलाम चौधरी जी। सलाम शेरू। अब बैठो भाई, ऊपर बैठो। आपने याद किया था, चला आया। चौधरी जी को तुम्हारी बड़ी फिक्र लगी रहती है। कसम पैदा करने वाले की, हर बखत यही कहते रहते हैं, शेरू बेचारे पर बड़ा बोझ है। अबे क्यों बखत? लो कर लो बात। जवान बेटी है बेचारे की, और बाल बाल कर्ज में बिंधा हुआ है। मेहरबानी है चौधरी जी की, जो हम गरीबों के लिए इतना भी सोच लेते हैं। शेरू, तुमने सीमा का कहीं बंदोबस्त किया है? भाई मेरी मानो तो उसकी शादी कर दो। गरीब की बेटी के हाथ इतनी जल्दी पीले नहीं हुआ करते। सोचता हूँ अब के फसल में कुछ पैसे हाथ आ जाएं, तो हाथ पीले कर दूं। लो कर लो बात। अरे शेरू चाचा, तुम्हारी तमाम फसल तो पहले ही चौधरी साहब के नाम हो चुकी है, और फिर तुमने उधार भी तो ले रखा है इनसे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक तकीब है सवा सोलाने पूरी। कसम पैदा करने वाले की, सीमा के साथ साथ तुम भी अपने हाथ नीले पीले कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब ये शेरू चाचा, कि अपने चौधरी जी को तो जानती हो, कितने नेक और शरीफ आदमी है, और फिर मालदार भी तो है। भाई अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो गरीबों का सच्चा खादिम हूँ। मैंने कहा शेरू चाचा, अगर सीमा बिटिया की अपने चौधरी जी से शादी कर दो, तो राज करेगी राज, रानी बन के रहेगी चौधरी जी के महल में। ये कैसे हो सकता है? सीमा तो इनकी बेटी के बराबर है।
बेटी के बराबर है। ओ, बेटी तो नहीं। चौधरी साहब, गरीब गरीब जरूर होता है मगर बेगैरत नहीं। गरीबों की इज्जत खरीदी नहीं जा सकती चौधरी साहब। मैं अपने हाथों अपनी बेटी का गला घोंट सकता हूँ मगर एक बूढ़े के साथ सीमा की शादी नहीं कर सकता। शेरू, आज किस्मत तुम पर मेहरबान है, दौलत तुम्हारे कदमों में है, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। बूढ़े बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बांधने की कोशिश ना करो चौधरी। दौलत तानी जानी है, जिसकी इज्जत एक दफा चली जाती है वो सारी जिंदगी के लिए कंगाल हो जाता है। बको मत, जाओ, इस कमीने को धक्के दे के बाहर निकाल दो, जाओ। खुदा की लाठी बे आवाज है चौधरी, अगर मेरी तरह तुमसे तुम्हारी लड़की का कुछ सौदा करता। ये चोट तुम्हें कैसे लगी बाबा, तुम तो हवेली गए थे ना? हाँ, ये सोच कर गया था कि अमीर गरीबों पर खुदा का साया होते हैं, मगर वहां जाकर पता चला कि उस साये में भी गरीब उनकी दौलत की आग में झुलस कर रह जाता। ये क्या कह रहे हो बाबा? ठीक कह रहा हूँ बेटी, चौधरी की हवेली वो दुकान है जहाँ गरीबों की इज्जत नीलाम की जाती है, उनकी इज्जत की बोली दी जाती है, आबरू का सौदा किया जाता। मगर इसे तुम्हारी जिंदगी से खेलने का क्या हक था बाबा? हाथ ना टूटे उस पापी के। मुझे बताओ बाबा, किसने मारा है तुम्हें? मैं उसका सर तोड़ दूंगा। नहीं बेटे, तेरा हाथ तो उसके दामन तक भी नहीं पहुँच सकता। एक लाख भी मुझे निकाला तो सवाल खेच लूंगा बुद्धि से। देखते क्या हो, उठाओ सारा सामान। तुम ये सामान नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? कसम पैदा करने वाले की, तू कहे तो तुझे भी उठा कर ले जाऊ। बको मत। तू कहे तो इससे ज्यादा सामान और मवेशी आ सकते हैं तेरे घर में, पर तेरा बाप तो चौधरी जी की बात ही ना माने है। गरीब की इज्जत चौधरी की तमाम दौलत और जायदाद से ज्यादा कीमती होती है मक्खन। खबरदार, जो तूने फिर कभी ऐसी बात कही तो फिर हट जा सामने से। खुदा के कहर से डरो जालिमो। मेरे बच्चे, जालमो, इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? निकल जाओ यहां से। सारी उम्र अपनी इज्जत को लेकर हवा खाते फिरो शेरू। चल बे जुम्मन, चल बे। Thank you.
बेटी माँ बाप शायद ज्यादा मोहलत न दे, मेरे बाद मुन्ने की तुम माँ भी हो और बहन भी, बहन बनकर इसके दुख सुख में शरीक रहना और माँ बनकर इसकी परवरिश करना। मुन्ना मुझे बहुत ही प्यारा है बाबा। बाबा मेरे मरने के बाद तुम इतनी दूर चली जाना कि जुल्म का हाथ तुम तक न पहुंच सके। हमने तुम्हें खुदा सुपुर्द करता हूं। बाबी बाबी बाबा देर है मासमान, तुझे न मेरे आंसुओं पर रह माया न बाबा के बुढ़ापे पर, तूने न मुन्ने की मासूमियत पर तर्क खाया न मेरी कमजोर जवानी पर। जवाब दे, तेरी बिजलियां कमजोरों पर क्यों गिरती है, तेरी हवाएं जालिमों का साथ क्यों देती है? मुझे बता किससे बकरा कर बेबसियों की फरियाद क्यों बेअसर हो जाती है? ऐ गूंगे और बहरे आसमान, तेरी बिजलियां उन पर क्यों नहीं गिरती जो तेरी छत के नीचे जुल्म का बाजार सजाए बैठे? बाजी ये क्या कह रही हो? बाजी ठीक ही तो कह रही हूँ मुन्ने, इस अंधेरे में छुपे हुए आसमान ने तो हमारी जिंदगी पर भी अंधेरा कर दिया है। ना काम के ना काज के और दुश्मन शराब और कबाब के। अल्लाह कर लो बात सरकार, अगर फिरू चाचा मान जाता ना तो कसम खुदा की मजा आ जाता। अबे कुछ सीमा का पता चला? सरकार पता नहीं किधर गई बगैर बताए। अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता बाजी। हिम्मत से काम लो मुन्ने, शायद कहीं सर छुपाने को जगह मिल गया। बहुत जोर की भूख लग रही है बाजी, अब मुझसे नहीं चला जाता। अच्छा तो तुम यहाँ ठहरो, मैं कहीं से तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अल्लाह मियाँ मेरी बाजी को खाना मिल गया। तुम भूखे हो बेटा? हाँ बाबा, अभी अभी मेरी बाजी खाना लेने गई है। तुम मेरे साथ खा लो। नहीं बाबा, कोई भाई अपनी भूखी बहन के बगैर नहीं खा सकता। अरे बेटे वो आएगी तो वो भी खा लेगी, लो खाओ। मजबूर ना करो बाबा। खाना नहीं तो मिठाई खा लो, भूख मर जाएगी, फकीर का कहना ना टालो बेटा। अगर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ, जी नहीं चाहती। क्या खिला दिया बाबा? बाजी बाजी खेल ली है नाजी, तू ये सोच कर यहाँ रुक गई थी कि अगर तूने बिना पहचाना तो यहीं से लौट जाऊंगी। क्या तुम मुझे गैर समझती हो? गैर समझती तो आती थी। बाबा के मरने का मुझे बहुत सदमा हुआ है सीमा। मुन्ना कहाँ है? मुन्ने के लिए तो खाना लेने आई है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लाती हूँ। ये लो।
नहीं खाना लेने वाली। उस दिन तेरे बाप की जितने बर्फ बनाया काम बिगाड़ दिया। कसम पैदा करने वाले की सीधी तरह चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, भिखारन कहेगी। मेरे बाद मुन्ने की तुम माँ भी हो और बहन भी, माँ बनकर इसकी परवरिश करना। मैं अंगूठी नहीं बेचूंगी, अंगूठी वापस दे दो। ये अंगूठी अब चौधरी वापस करेगा, अब मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे वहां ना ले। तुम क्या करे, सीमा का कुछ पता चला? लो कर लो बात। मेरा ख्याल है कि सीमा बीबी वफात में आ गई। अरे खुदा अस्सलाम वालेकुम सरकार, कसम पैदा करने वाले की आज सवेरे सवेरे सीमा मुझे नजर आ गई। हाँ सरकार, वो मेरी बहन से खाना मांगने आई थी, मैंने उसे धक्के देकर भगा दिया। लाना था तुम पे कमबख्त, हाथ में आया होगा, शिकार लगा दिया। अंदर चलो। कौन है? चलो अंदर। चौधरी साहब, ये अंगूठी मेरे पास बेचने आई थी। हमारी अंगूठी किसके पास कहां से है? खुद पूछ लो। तुम जा सकते हो, तुम भी जाओ। हम अपने जोर से ये अंगूठी कहां से है? मैंने चोरी नहीं की चौधरी जी, मैं चोर नहीं। तुमने चोरी की है सीमा, हम चाहे तो तुम्हें हाथ कर कसूर हूँ, मुझे जाने दीजिए, मुन्ना मेरी राह देख रहा होगा, मैं आपके पास पड़ती हूँ। तुम कदमों में झुकने के लिए नहीं, झुकाने के लिए पैदा हुई हो सीमा, और मेरे सीने से लग जाओ। मैं आपकी बेटी के बराबर हूँ। बेटी के बराबर हो? बेटी तो नहीं हो। आज हम तुम्हें तुमसे छीन लेना चाहते हैं सीमा। खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, बंदों के काम में खुदा को मत लाग देना। छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। बाबा अपने ठिकाने पर हो बेटा। बाजी कहाँ है? मैं बाजी के पास जाऊँगा। अब तू बाजी के पास नहीं जा सकता, यही रहेगा, समझा? मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तुम्हें यही रहना पड़ेगा, अगर भागने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जो देखा तुमने। मैं नहीं भागूंगा। अगर तुम चाहो तो हजारों रुपया कमा सकते हो, सोने चांदी में खेल सकते हो। ये क्या कह रहे हो बाबा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तू भीख मांगेगा, तेरी मासूमियत लोगों के दिलों में रहम भर कर उनकी जेबें खाली करा सकती है। नहीं नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा, इन नन्हे नन्हे हाथों से मेहनत मजदूरी कर लूंगा, मगर भीख नहीं मांगूंगा। दुनिया का हर शख्स बेकारी है, उससे हर शख्स अपने मतलब की भीख मांगता है, और तू भी मांगेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं मांगूंगा। हाँ कहो, वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अच्छा शाबाश। बाबू तुमने कुछ सुना? सीमा ने सेठ का खून कर दिया, उसने अपने बाप का बदला ले लिया। वो बेचारी क्या बदला ले सकती है? तुम ठीक कहते हो, उसने अपनी इज्जत बचाई है। ठीक है ठीक है, ठीक तो है, लेकिन किसने लाखर मियां को भी खबर दी है या नहीं? अब्बा जान, तो गलत रास्ते पर डालने वाले तुम और सिर्फ तुम लोग हो। तुम्हारी ही खुशामदों से वो भूल गए कि वो गाँव की चौधरी भी है।
और वो ये भी भूल गए इस गांव की जितनी बेटियां हैं उनकी अपनी बेटियां हैं। आखिर अब्बा जान के गुनाह उन्हें ले डूबे, उनका खून सीमा ने नहीं किया है। मेरी क्या मजाल थी सरकार, जो उनका खून करता, कसम पैदा करने वाले की उनको खून में नहावा देकर तो खुद मेरे रामटे खड़े हो गए थे। लोकल्लो बस हुजूर, मेरे हाथ पांव तो इतने कांपे कि बस कांपते ही रहे। बकवास कितने हो जी हुजूर, सिर्फ तुम ही वो लोग हो जिन्होंने अब्बा जान को गुनाहों के इस अंधेरे में ला कर दिया। बताओ तुम में से वो कौन है जिसने अब्बा जान को गलत रास्ते पर डाला? मक्खन सरकार मक्खन। लोकल्लो बस हुजूर, ये जुम्मन ही तो है जो सरकार को शराब ला कर दिया करता था। तुम लोग अभी और इसी वक्त यहां से चले जाओ। जाओ मुंशी चाचा। जी सरकार। आप शहर तार देने के मैं आ रहा हूं, मगर नासर मियां आपका यहां रहना भी तो बहुत जरूरी है। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, यहां की तमाम जिम्मेदारियां आपके कंधों पर हैं। मैं कभी कभार गांव आता रहूंगा, और हां मेरा सामान गाड़ी में रखवा दो। जैसे आपकी मर्जी। खुदा के वास्ते कान दे दो बाबू। मुन्ने रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रुक जाओ मुन्ने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा, जान से मार डालो, मगर मैं भीख नहीं मांगूंगा। तू भीख नहीं मांगेगा तो मैं खाऊंगा कहां से? भीख से भूख अच्छी है बाबा, हाथ चलाने से मर जाना कहीं बेहतर है। तू मुझे सबक सिखाने चला है? भीख मांगने से तो खुदा ने भी मना किया है बाबा। अबे खुदा मरने के बाद पूछेगा, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। ये जिंदगी भी उसी की दी हुई है, मैं उसका हुक्म नहीं जान सकता। यहाँ मेरा हुक्म चलेगा मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सीमा, कि मेरे बाप की इस दलील हरकत ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। ये सब तकदीर का खेल है नाजर, पहले घर छिन गया, फिर बाप का साया पैसे उठ गया, और मुन्ना। हाँ हाँ सीमा, मुन्ना कहाँ है? न जाने। इस दुनिया के झूठे नाते जीवन है एक सपना, सुख के साथ सब है यारो, दुख में नहीं कोई अपना। इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, जहाँ प्यार के बदले दर्द मिला। इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, हो बेशुमार जहाँ कोई त्याजिए,
हम हो बेशुमार जहाँ कोई क्या जिए, कब तलक फिरे कोई शकी सा दिल ये, दुनिया ये तूने इंसाफ क्या किया, सिख बना गिला इस दुनिया से कर सिख बना गिला। आरज़ू के फूल यहाँ कोई क्या चुने, आरज़ू के फूल यहाँ कोई क्या चुने, बागबान हर कली में सार भर दिए, देगा ये जमाना तेरे दुख की क्या दवा, शिकवा ना गिला इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला। अब लगाए किस यतीम को गले, यतीम को कौन या किसी के गम में रात दिन जले, किसी ने भी मुश्किल में साथ ना दिया, शिकवा ना गिला इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला, से कर शिकवा ना गिला। जहाँ प्यार के बदले दर्द मिला, इस दुनिया से कर शिकवा ना गिला। लड़के कौन हो तुम? ये भैया। हाँ मुन्ने, अब तुम अपनी बाजी को कभी ना देख सकोगे, वो अपनी इज्जत बचाते हुए मर गई थी। क्या कह रहे हैं आप, मेरी बाजी मर गई? हाँ मुन्ने, उसने अपनी इज्जत के डाकू को कत्ल कर दिया था। मेरी बाजी? तो क्या मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूँ भैया? घबराओ मत मुन्ने, मैं जो तुम्हारा भाई जिंदा हूँ। हाँ मुन्ने। अरे नहीं, ऐसे बताओ 50,000 का तुम किसने किया? जी सीमा ने, मैंने खुद इसके हाथ में चाकू देखा था। उसने चौधरी का खून क्यों किया? जी बात यह है कि सीमा के बाप ने चौधरी जी से कर्जा लिया था, उसने कर्जा वापस नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जी, उन्होंने उसे धक्के देकर गाँव से निकाल दिया और सीमा ने अपने बाप का बदला लेने के लिए चौधरी जी का खून कर दिया। दूसरे गवाह को हाजिर किया जाए। सलाम सरकार। तुम्हारा नाम? मक्खन सरकार। जो कुछ कहोगे सच सच कहोगे? सच सच कहूंगा। जब चौधरी का खून हुआ उस वक्त तुम कहां थे? कमरे के बाहर था जनाबे वाला, चौधरी साहब की चीख सुनकर अंदर दौड़ा गया। वहां जाकर मैंने देखा कि चौधरी साहब खून में लथपथ पड़े हैं और सीमा उनके पास ही चाकू लिए खड़ी। तुम जा सकते हो। तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि चौधरी की बुरी नीयत देखकर मैंने भागने की कोशिश की, मगर उसने मुझे रास्ता न दी। तब अपनी इज्जत बचाने का मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया और मैंने उसे कत्ल कर दिया। मार दिया उस शख्स को जो अपने गुनाह की कालक मेरे चेहरे पे मलना चाहता था। कत्ल कर दिया उस आदमी को जो मुझे बेआबरू करना चाहता था। वकीलों की बहस, गवाहों और मुल्ज़िमा के बयान सुनकर अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि मुल्ज़िमा सीमा ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए चौधरी फजल हक को कत्ल किया था, लिहाजा
मुलजमा सीमा को जेर दफा 302 ताजदाद पाकिस्तान 14 साल कैद बा मशक्कत की सजा दी जाती है। Thank you.
उठावे झंडनी चलावे मांग भी लवें तो फिर की है दस बीस हजार रुपए तेरे सिर तो कुर्बान कर सकने हैं बस अच्छी तो तेरे सिर पे जान भी कुर्बान कर सकते हैं की लेना साढ़े सिर तो जान कुर्बान कर दे तेरी आसान जो बरबर कर लेगी शरीफ बंदे हैं किसी ने मार नहीं सकते पर मर के सकते जाओ गलो मिलाओ नामी बंदे हैं क्यों बदनाम कर रही है पूरे शहर च खड़ाक
तो है डॉक्टर को बुलाओ। कोई बात नहीं मुन्ने, तुम अपना सबक याद करो। तुमने मुन्ने से ठीक ही कहा कि उसकी बहन मर गई है, वरना उसे 14 साल तक मेरा इंतजार करना पड़ता। और ये भी मुमकिन था कि वो काजला का भाई कहलाना पसंद ना करता। असली शादी कर लो नासिर। क्या कह रही हो सीमा? मैं शादी कर लूं? मैं तुम्हारी याद में ये दिन गुजार लूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। खैर नासिर, मुन्ने का ख्याल रखना और उसे एक पल भी अपनी आंखों से ओझल ना होने देना। तुम फिक्र ना करो सीमा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Qadi Azam was a man of discipline and faith. Qadi Azam was a very wise man. Mr. Ayub is a good president of Pakistan. Munne? Ji, bhaiya. Arey Munne, tum yahan chupke baithe hue the. Main tumhe dhoond-dhoond ke pareshan ho gaya. Main to yahan baitha pad raha tha. Aap yun hi pareshan ho gaya, bhaiya. Bas yun hi. दिल चाहता है कि हर वक्त तुम मेरी आंखों के सामने रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। और हाँ मुन्ने, तुम आज का अपना सबक तो सुनाओ। I have taken my seat in the most comfortable corner of a railway carriage when a news boy appeared at the window with his usual cry of Paper, sir. I handed a penny. सलीम, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तैयार हूँ भैया। सलीम, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना। अच्छा भैया, मगर आपसे कई मरतबा पूछ चुका हूँ, बाहर जाने के मुतालिक बताते नहीं। वक्त आने पर बता दूंगा सलीम। चलो, तुम्हें देर हो गई। ये किस लड़की की तस्वीर है सलीम? ये मेरी क्लास वालों नाहिद है भैया। नाहिद? किसकी लड़की?
डॉक्टर नूर की। डॉक्टर नूर? घबराओ नहीं मिस्टर, मेरा नाम डॉक्टर नूरुद्दीन मीम बे बेसिन। मैं क्रॉनिक डिजीजेस यानी पुरानी मर्जों का माहिर हूँ। क्यों कंपाउंडर? यस सर ये जल्दी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल प्लीज। कंपाउंडर। यस सर। अब मरीज के पेट में बच्चा है, इसकी सेक्स बदल रही है, तुम इसे जनाने अस्पताल पहुंचा दो, मैं इस सिलसिले में जरा किताबें देख लूं। सर जनाना अस्पताल तो बंद है, मैं इसको अपने घर ले जाऊं। ओके ओके। उठो भैया, मुबारक हो, तुम एक बच्चे की माँ बनने वाले हो। बात नहीं है, मैं किन्ना पागला ने वापस आई हूँ। हाय हाय, चल जुटी भी कहा चल के पाई मिस्टर। मर्द के पेट में बच्चा, किताबों में तो इसका जिक्र ही नहीं है। अरे ये क्या उठाना है? डॉक्टर साहब ये वही बेबी है जो उस मरीज का तंग कर रहा था। अच्छा, अरे ये तो हमने खान बहादुर साहब की बेटी के हाथ में देखा था, वो इंजेक्शन लगवाने आई थी ना। हम भी कितने डैम फूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अरे छोड़ो वो देखो। आओ उसे फूल बनाए। अदाबर। वालेकुम अदाबर। क्या बात है, आजकल आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाबे साहब आप कहीं कमजोर ना हो जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्या खून कर दूंगा, मैं तो खुद कतल हो जाऊंगा, मैं इनको फांसी लगा दूंगा। अच्छा भैया खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे तुम्हारा मुंह कैसे काला हुआ? अल्लाह करे। देखो सलीम भाई, इन्होंने मेरे तम्बाकू में खुदा हो वाला बारूद डाल दिया। हमें तो कुछ पता नहीं, ये लंगूर खाम हमारे पीछे पड़ा हुआ। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ नहीद कहाँ है? सुना है वो बीमार है। बीमार है? तो चलो चलकर उसे देखो। ना बाबा, सुना है उसके डैडी बहुत जालिम है, अगर उन्होंने हमें मुर्गा बना दिया तो फिर क्या होगा? सब मिलकर अजाने देंगे। कालू बात सुनो, फाल रमल देखने वाला, हाथ की लकीरें पढ़ने वाला है, कोई किस्मत का हाल पूछने वाला? कौन हो तुम? नजूमी, सितारों की चाल और मुकद्दर का हाल बता सकता हूँ, माथे की शिकन और दिल की लगन का हाल पूछो लड़की। यहाँ कोई हाथ दिखाने वाला नहीं है। हाथ दिखाने वाला हर जगह हाथ दिखा सकता है। लाओ तुम भी मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारा हाथ देखे बगैर भी ये बता सकता हूँ कि तुम एक कंजूस बाप की सखी बेटी हो। क्या कहा? तुम प्यार की दलदल में बुरी तरह फंस चुकी हो, और जिससे तुम प्यार करती हो वो एक बहरूपिया है। बको मैं। ये बकवास नहीं हकीकत है, तुम उसे नहीं पहचान सकती लड़की। निकल जाओ यहाँ से वरना धक्के देकर बाहर निकाल दोगी। बल आ जाएगा इन नाजुक कलाइयों में। अरे सलीम तुम? जी मैं। अरे तुमने क्या दिया बना रखा है? तुम्हारे डैडी के दर्द। अरे ये तो किसी ट्रक की आवाज है। अरे ये हमारी खानदानी मोटर की आवाज है भी। हाथ दिखाने वाला नहीं है। हाथ दिखाने वाला हर जगह हाथ दिखा सकता है। लाओ तुम भी मुझे अपना हाथ दिखाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। तुम
तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हारा हाथ देखे बगैर भी ये बता सकता हूँ कि तुम एक कंजूस बाप की सखी बेटी हो। क्या कहा? तुम प्यार की दलदल में बुरी तरह फंस चुकी हो, और जिससे तुम प्यार करती हो वो एक बहरूपिया है। बको मत। ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम उसे नहीं पहचान सकती लड़की। निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देकर बाहर निकाल दोगी। बल आ जाएगा इन नाजुक कलाइयों में। अरे सलीम, तुम? जी मैं। अरे तुमने क्या दिया बना रखा है? तुम्हारे डैडी की जरूरत। डैडी आ गए। अरे ये तो किसी ट्रक की आवाज है। अरे ये हमारी खानदानी मोटर की आवाज है भी। बेबी ये कौन? बेबी ये एक मरीज है, उसके पेट में सख्त तकलीफ है। आई सी पीछे हटो। और 3-9 का ऑपरेशन। मुंह खोलकर देखो कंपाउंडर, तुम जल्दी से सामान लेकर आओ। ऑपरेशन कर क्या यही ऑपरेशन किसी का? आज डैम फुल, हम डॉक्टर हैं, जब जहां जिस वक्त चाहे ऑपरेशन कर सकते हैं। देखो कंपाउंडर, तुम छुरी नंबर 1 नंबर 202 और कैंची नंबर 303 मरीज के सीढ़ी पाए भी मुझे दे दीजिए। और रेड ब्लड, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए पेशेंट, गाड़ी ने रास्ता तोड़ा लिया कंपाउंडर। ओ गाड़ी चल गई। डैडी मरीज कहाँ? डैडी आपके हाथ में इतनी शिफा है कि वो गया, मेरा मतलब ठीक हो गया। अच्छा कंपाउंडर, फीस देकर नहीं गया? कोई बात नहीं सर, फिर बीमार हो जाएगा। मगर हमें तो किसी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। सर मुझ में तो खून ही नहीं है। डैडी ने मुझे सब कुछ बता दिया। उस कंपाउंड के बच्चे ने जाने चाय में क्या मिला दिया था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस ठीक हूँ। आज तुम कॉलेज में नहीं आए तो मेरा दिल भी नहीं लगा, पीरियड छोड़कर आई हूँ। अरे हाँ, कल पिकनिक पर भी तो जाना है। कल तक ठीक हो जाऊंगा। तुम्हारे डैडी का क्या हाल है? सलीम क्या बात है? ये तो ठीक है ना? ठीक हूँ भैया। रानी आओ आ जाओ ना। ये मेरा छोटा भाई सलीम है और ये रानी। मैं गांव से आती दफा अपनी पुरानी नौकरानी के साथ ही लेकर आया हूँ। मेरा मतलब है घर को औरत ही चला सकती है। आपने अच्छा किया भैया। चलो रानी, मैं तुम्हारा क्वार्टर तुम्हें दिखाता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं मैडम, मैं कहता हूं कि मुझ जैसा डॉक्टर पूरे एशिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। तुम्हें मुझ पर फखर करना चाहिए। मुंह खोलकर फखर करना चाहिए? मैं सच कहती हूं, तुमने नहीद को बहुत ढील दे रखी है। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती। आप क्या बक रही हैं? आजादी अच्छी नहीं होती? मैं कहता हूं कि दुनिया ने आजादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं, जलीलो खार हो गए हैं, और तुम कहती हो आजादी अच्छी नहीं होती। अब तुम्हें कौन समझाए? कहो अफ्रीका की तो समझते हो अमेरिका की। अमेरिका? क्या बात है अमेरिका की? क्या तुम्हारे भाई ने मुझे वहां से कोई सूट का पीस भेजा है? मुंह खोलकर भाई। ओहो, थोक के हिसाब से मरीज आ गए हैं। मुंह खोलकर। मगर जनाब। अगर मगर कुछ नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि डिस्पेंसरी पर मुआयने की फीस जुदा होती है और घर पर मुआयने की फीस अलग।
मगर जनाब हम लोग तो आप आ ही गए हैं तो कोई मुजायका नहीं, जबान निकालो मुंह खोलकर। मगर मेरी भी तो सुनिए। अजी वो डॉक्टर ही क्या जो मरीज की बात सुनकर इलाज करे, जबान निकालो। डेंजरस, कितनी काली जबान है। तुम्हारा दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे खराब हो चुके हैं, तुम्हारे सारे स्पेयर पार्ट्स बदलने पड़ेंगे मुंह खोलकर। मिस्टर तुम जबान निकालो, कहीं बेजबानी जबान ना हो जाए डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ कि रात दिल का आया ना हो जाए। और डैडी वैडी कुछ नहीं, डैडी इस वक्त मरीजों में मसरूफ है। देखो नाई डैडी, ये मरीज नहीं है। मैं कहता हूँ तुम भूल रही हो बेबी, डॉक्टर के पास मरीज और सिर्फ मरीज आते हैं, और अगर इन्हें कोई मर्ज नहीं है तो मैं इन्हें कोई ना कोई मर्ज लगाकर भेजूंगा। जबान निकालो जी, मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ है? डैडी मेरे क्लास फेलो है, हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं ना, यहाँ से चंदा मांगने आए। चंदा? डैडी दीजिए ना चंदा। बेबी चंदा तो यतीमों को दिया जाता है, और तुम जानती हो कि हमने कभी यतीमों को भी चंदा नहीं दिया। डैडी प्लीज, अगर आपने चंदा नहीं दिया ना तो मैं सारे कॉलेज में जलील हो जाऊंगी। नहीं, डॉक्टर नूरुद्दीन मीम बेबे सिंह की बेटी जलील नहीं हो सकती। मैं देता हूँ चंदा, संभाल कर रखा हुआ था मुंह खोलकर, ये लो चंदा। शुक्रिया डैडी, कोई बात नहीं, जाओ। चंदा रे जा रे जा रे। सलीम तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ। सलीम जाऊँ भैया? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। बहुत देर से तैयार हूँ मुस्तफा। ये औरत कौन है? मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। ये हमारी नौकरानी। नौकरानी? तुम्हारे भैया ने नौकरानी तो बहुत है। ये लड़कियां कौन है? ये सलीम की क्लास फेलो है। क्लास फेलो? हाँ हाँ, उसके साथ पढ़ती है। और ये दरमियान वाली लड़की नाहिद थी, इसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका। सलीम हमने सब इंतजाम कर रखा है। बहुत खूब। ये लो, बहुत ही मीठा है। नहीं से ज्यादा तो नहीं। बदतमीज। वो गई। मैं
मैं कहती हूँ किताबें ही पढ़ते रहोगे क्या? नहीं अभी तक नहीं आई है, मालूम तो करो क्या बात है। अरे किससे मालूम करूँ मैडम, मैं डॉक्टर होकर लोगों से मालूम करूँगा, मुँह खोल कर तो वो मुझे जाहिल समझेंगे। नहीं रहने दो रानी, मैं खुद उतार लूंगा। क्या कोई गलती हो गई है मुझसे? ये बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा काम करो। क्यों? तुम जैसी मेरी एक बहन थी। आपकी बहन मुझ जैसी नहीं हो सकती, वो मर गई है क्या? हाँ बचपन में देखा था उसे, उसका धुंधला सा नक्शा आज भी याद है मुझे, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह, ऐसी ही आंखें ऐसा ही चेहरा। तुम्हें देखकर न जाने मेरा दिल बहन कहने को क्यों चाहता है। मुलाजमा को मुलाजमा ही रहने दीजिए छोटे से कर। ये हाथ पाओ चेहरा कहाँ से नीले पीले करके आ रही हो? हाय डैडी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। तो वो ठीक कैसे हुई? सब लड़के लड़कियों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे ठीक किया। बेचारे सलीम का तो बड़ा बुरा हाल हो गया। फिर सलीम? अरे हाँ उसका भाई आ गया है मुंह खोलकर। जी जी हाँ। हम उसे इमरजेंसी में मिलना चाहते हैं, केस बड़ा अर्जेंट मालूम होता है मुंह खोलकर। देखो कल 4 बजे का प्रोग्राम रहा। तुम्हें मुबारक हो बेबी, तुम्हारी नई मम्मी के लिए बड़ी मुश्किल से लिपस्टिक मिली है 12 नंबर की मुंह खोल कर। डैडी मैं कब से आपके इंतजार कर रही हूँ। आई एम सॉरी बेबी। अच्छा तुम नहीं चलोगी मैडम मुंह खोल कर? मैं कहीं नहीं जाती, आप खुद ही चले जाइए। एज यू लाइक, इनका मूड खराब है। आओ बेबी, अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। कुदरत भी कभी कभी कितना अनोखा मजाक करती है, मैं तुम्हारे पास होते हुए भी तुमसे कितनी दूर हूँ। ये अंदर कौन? सलीम के बड़े भाई नासिर। और वो शायद सलीम की भाभी? जी नहीं, वो उनकी मुलाजिमा है। मैं उससे तुम्हारी शादी नहीं कर सकता जिसका भाई इतना जलील हो। और वापस चले। डॉक्टर साहब वापस क्यों जा रहे हैं? आइए अंदर चलिए। मैं इसलिए वापस जा रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे घर में ना आ सके। जाओ अंदर जाकर देखो, तुम्हें हमारी वापसी की वजह मालूम हो जाएगी। भैया जाओ। क्यों गए भैया? सुना है बादशाहों ने भिखारियों के लिए ताज और तख्त ठुकरा दिए हैं, ये तो फिर आपके घर की मुलाजमा है। सलीम भैया मुझे भाई कहकर मत पुकारो रानी, बदनसीब है वो भाई जिसे तुम जैसी बहन मिले। सलीम अब ये यहाँ नहीं रहेगी भैया। सलीम निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। सलीम इसे घास से ना निकालो। सलीम रुक जाओ। सलीम सलीम Thank you.
दिला इस दुनिया के कर शिकवा ना दिला जहाँ प्यार के बदले तेरे दिल दिला इस दुनिया के कर शिकवा ना दिला कहूँ तो प्यार की रखवाली कहाँ है दिल कहूँ तो प्यार की रखवाली कहाँ है दिल सुन रहूँ तो हम है दिल की गले एक पल में खुशियाँ का बाहर चल गया इस दुनिया के कर शिकवा ना दिला जख्म दिल को प्यार का मरहम न मिल सका जख्म दिल को प्यार का शिकवा ना दिला इस दुनिया के कर शिकवा ना दिला अब मेरे नसीब में रोना है उनसे भय रोना है उनसे भय शिकवा ना दिला इस दुनिया से कर शिकवा ना दिला इस दुनिया से कर शिकवा ना दिला जहाँ प्यार के बदले तेरे दिल मिला इस दुनिया से कर शिकवा ना दिला शिकवा ना दिला शिकवा ना दिला शिकवा ना दिला तुम रो रही हो उस घटिया इंसान के लिए जो तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारे दामन में अंगारे भरने की कोशिश कर रहा है मैं कहता हूं उसे भूल जाओ वरना मैं उसे गोली मार दूंगा क्या कह रहे हैं बेटी जो एक बाप का फर्ज कहता है गैर शख्स के लिए अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर गैरतमंद बाप उस शख्स के साथ अपनी बेटी को भी गोली मार दिया करते हैं मैं पहले ही कहती थी कि बेटी को इतनी आजादी ना दो तुम ठीक कहती थी मैडम मैं भी कितना ना समझ तुम्हारी बात नहीं समझ सका डॉक्टर साहब सलीम डॉक्टर साहब क्यों आए हो मैं आपसे माफी मांगने आया हूं माफी मांगने आए हो या नाहिद के जख्मों पर नमक छिड़के गलत मत समझिए डॉक्टर साहब डॉक्टर कभी गलत नहीं समझता मिस्टर मैं जानता हूं कि तुम अपने भाई के किसी नए इश्क की दास्तान सुनाने आए हो भाई का रिश्ता पांव की जंजीर बन गया है जिसे मैं काट नहीं सकता लेकिन उस नौकरानी को घर से निकाल दिया है उस बेचारी नौकरानी को निकालने से क्या फायदा जिसे तुम्हारे भाई ने दौलत से खरीदा हुआ खिलौना बना रखा था जरूरत उस भाई को छोड़ने की थी जिसे तुम छोड़ नहीं सके लेकिन अब ना ही तुम्हारी नहीं हो सकती इसलिए कि एक बेगैरत इंसान का भाई हमारा दामाद नहीं बन सकता डॉक्टर साहब भाई के जुर्म की सजा अगर मुझे देना चाहते हैं तो दे लीजिए मगर याद रखिए आपका यह फैसला हम दोनों की जिंदगी तबाह कर देगा मैं कहता हूं क्या ताल्लुक है तुम्हारा नाहिद के साथ गलत सलीम अगर आपको उससे ऐसी ही मोहब्बत थी तो शादी कर लेते आपके जुर्म की सजा मुझे मिली है आपका गुनाह मेरी पहचानी का दाग बन गया है नाहिद के वालिद ने घर से निकाल दिया है मुझे उसके जाने की सजा तो मैं भुगत रहा हूं सलीम रो
एक नौकरानी के लिए आप रो रहे हैं? जरा सोचिए तो भैया, लोग क्या कहेंगे? वो नौकरानी नहीं, इस घर की मालकिन थी सलीम। और वो? और क्या थी वो? बता दिया तो तुम पागल हो जाओगे, दीवारों से सर टकराओगे, चीख उठोगे, मगर उस वक्त तुम्हारी फरियाद सुनने वाला कोई ना होगा, आंसू बहाओगे मगर पहुंचने वाला कोई ना होगा। क्या कह रहे हैं आप, बताइए कौन थी वो भैया? वो तुम्हारी बहन, तुम्हारी बाजी। मेरी बाजी? आज से 14 बरस पहले। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? न जाने मेरी बाजी कहाँ हो। पूरी कोशिश से इलाज कीजिए डॉक्टर साहब, मैं फीस आपको। आप फीस की फिक्र ना करें, मैं आपका फैमिली डॉक्टर। शुक्रिया।
कम पाउडर? यस सर, इंजेक्शन तैयार करो। ओके। काश तुम यहां ना आती। दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है, कदमों को तेरे चूमने आता है जमाना, दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। जो इस दर का तलबगार नहीं है, है कौन सा दिल जो तेरा बीमार नहीं है, आते हैं यहाँ चाहो गदा सर को झुकाने, ऐसा कोई सर चश्मे अनवार नहीं है, अल्लाह की रहमत है यहाँ रोज़ो शबाना, दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। क्या कहने हैं दाता तेरे फैजान करम के, सर कट गए क्या दुश्मन अरबाब हरम के, आई थी बड़े जोम से या कुफ्र की फौजे पर लड़ न सकी तेरे परस्तारों से जम के, एक पल में जहन्नुम हुआ उन सब का ठिकाना, दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है। जो आन पे जान दे उन्हीं परवानों का लाहो, मिट जाए जो हक पर उन्हीं दीवानों का लाहो, तुम अजमत लाहौर के रखवाले हो दाता, जो तेरे हैं इंसानों का ना हो, दामन में सदा हमको यूं ही अपने छुपाना, दाता तेरा दरबार है रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार है, कदमों को तेरे चूमने आता है जमाना, दाता तेरा दरबार है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अब तबीयत कैसी है? अच्छी है। नासिर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है?
ये राज मेरे सीने की अमानत है डॉक्टर साहब, मैं बता सकूंगी। तो नासिर से बहुत हमदर्दी है तुम, काश तुम जान सकती कि तुम्हारी बदौलत एक तरफ मेरी बेटी तड़प रही है और दूसरी तरफ सलीम। सलीम क्या हुआ सलीम को? तो तुम्हें सलीम से भी हमदर्दी है, तुम रोने क्यों लगी? जब मुझसे मुकद्दर और फर्ज आंख आंसू बन जाए तो फिर रोना ही पड़ता है डॉक्टर साहब। लेकिन तुम्हारी खामोशी कई जिंदगियां बर्बाद करती है। जिंदगियां बर्बाद कर देगी? तो सुनिए डॉक्टर साहब, सलीम नासिर का नहीं मेरा भाई है। आज से 14 साल पहले। मुझे अफसोस है सीमा, मैंने तुम्हें गलत समझा। आज से नाहिद की तरह तुम भी मेरी बेटी हो। नाहिद, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हारा कॉलेज में इंतजार करती रही। और हाँ, आज से सलीम भी नहीं आया। चलो उसका पता करें। मैं बाहर नहीं जा सकती। क्यों? डैडी ने पहले बिठा दी है जिंदगी का, बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। मगर इसकी वजह तो बताओ। सलीम, 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 बाजी का कहीं पता नहीं चला भैया, कहीं पता नहीं चला। हाँ सलीम, गए हुए लोग और टूटे हुए रिश्ते मुश्किल से मिला करते हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुंह खोलकर। डॉक्टर साहब आप? अब यह क्या लेने आए? डॉक्टर हर जगह आ जा सकता है मुंह खोलकर बेटा। क्या कोई और जख्म लगाने आए? मैं जख्म लगाने नहीं, जख्मों का इलाज बनकर आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाहिद का और नासिर के लिए सीमा का रिश्ता लेकर आया हूँ मुंह खोलकर। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप देखते जाए जी। सीमा, नाहिद बिटिया, अंदर आ जाओ मुंह खोलकर। भैया, मुझे माफ कर दो बाजी, माफ कर दो। आंसू पहुंचो सीमा, अब हमें दुनिया की कोई ताकत पिता नहीं दे सकती। ये खुशी के आंसू है ना सिर्फ, इन्हें पहले दो मुंह खोल कर। डॉक्टर साहब, है कौन जो इस दर का तलबगार नहीं है? है कौन सा दिल जो तेरा बीमार नहीं है? आते हैं जहाँ चाहो गदा सर को झुकाने, ऐसा कोई सर चश्मे अनवार नहीं है। अल्लाह की रहमत है यहाँ रोजो शबाना, दाता तेरा दरबार रहमत का खजाना, दाता तेरा दरबार। अरे ऊंचूरी मेरे कातल बन गया, अपनी टीवी की सुनाया, अपनी टीवी की सुनाया, अपनी सुनाया। तेरे काम कत से काम तो तेरे पर, मैंने तेरा कब भी अच्छा ज्यादा पिछा नहीं। और कातिल को गिरफ्तार करने थाने होते छापे मारो। वरना इस कातिल को गिरफ्तार कराने से पूरी पूरी मदद करनी पड़ेगी। मैं उन्हें जरूर गिरफ्तार कराऊंगी थानेदार जी, पर उन्हें लपण दे, मैंने अपनी जिंदगी भी बाजी कर लगाई। सुल्तान को भी पाले लाजर आइए। अब आ रहा है पांडे, जो किसी ने दर्शन की कोशिश की थी, छेती दसो गांव जाकर ऐसे किसे रे दूर सांता ने कोई पता नहीं, सांता मिला नहीं कब सा हो गया। चलो तुम मेरे नाल, देखा जो साढ़े को बच के किसे जा सकता है, वो जरूर फड़िया जाएगा। रुक जा, हौसला का के वो जी ना पता नहीं।
खबर मैं बंदूक की नजे गैस रख लगा पर इन हथा ने इंतकाम लैन का फैसला किया मेरी बेकसूर बीवी ने दम तोड़िया जिन्हों अखा के सामने मेरे साई ने दम दते ने मेरे को बदला लेना पहले बच्चे की मोही मां मोड़ जाए टुटा पंगूड़ा जोड़ दे ममता कबर च कट के एद सिर का पुरखावा बना दे जे मैं तेरी धी की मां वापस मोड़ दिया तू अपने पैरों में गेड़िया पा सकना मैं सिर्फ ती वास्ते मां चाहिए अपने वास्ते जिंदगी नहीं ते ऐ एक मां का दुपट्टा तेरे पैरों में पिया हुआ है तू अपनी तीनिया के रख दे ते एदी मां मैं बनांगी कभी इन सत्ती बाह भी लगी ते पहले मेरा दुपट्टा सड़ेगा मैं तेरे को अपने साई का एक वड्डा इंतकाम नहीं लै सकती मां बन के मेरे सिरों धी का भार भी ला दी तो मेरे सीने चो कातल बनने का खौफ भी कर दी धरती है तेन तेरी मां मिल गई है पर मैं तेरी मां सारी जिंदगी नहीं लग सकती एक मां ने बड़ा ही सियाना बदला दिया मावा से हमेशा इस तरह बदला लेंदिया ने जिस तरह मैं बदला लिया तो तू हमेशा उस तरह बदला लेंदे जिस तरह तू बदला लिया तुर तो चली पर इना वादा कर मैं कभी पता नहीं लगन रही कि भी चीज मैं वादा कर रही हूं जे मेरी तीन की बहुत याद आवे तो मेरे पास की दिल दी भावे ब्याह नहीं पूछी भावे ना पूछी शरफू पुत्र कितने चले और खून तो चले मां उ मेरे यार बटीक दे जरा शहर जा अपनी भैन ला दे आगे चल खेती जा पुत्र नाज ताजी ना जाके खेल हाँ। जे मैं आप किसी भी अमानत सीने ना लाई सकती हाँ अल्लाह ने हमेशा खुश रखे ते हस दी खेल दी जीवनी रहे वे शरारती है हर वे मां नू बाजी मार मार के दफ करन कभी कोई काम की गल नहीं करया कर मैं सर मां आज उसको काम की गल सुन ला शरफू कहंदा मैं सिर से पग बन का करूं बाहर नहीं निकल सकता मैं सर मां आज अपने अच्छी मेरा सिर से पग बन शरफू ठीक कहंदा मैं तेरे सिर से पग नहीं बन सकती इसलिए कि साढ़े एक बुजुर्ग ने अपनी जमीन वापस लैन दी पर मैं कल हमेशा ही अपने सिर की पग गिर भी पा दी सी फिर मां की सारी उम्र सिर नंगे फिरते रहेंगे तो तेरे सोचने वाली गल नहीं पुत तू मुझे बच्चा जा बाहर फिर जा यारे गुस्से होंगे Oh,
अपनी मलकीयत समझना जो भैन ते नाले वेखना गलत सीधी सीधी असि जवान भी हाँ खूबसूरत भी हाँ साडे पले माल है कंध करके खलोना किड्डा वड्डा जुर्म है मैं तेन इस जुर्म की सलाह देने तो पहला माफी मंगन का मौका देना बगैर जुर्म तो माफी मंगना गरीबा की मौत ही सरसू रूखी थां से बह के हमेशा लिए वेले दागा अपने हाथ से समझना मैं इस नीवी थां से खलो के तेरी तकदीर गुआची हुई नजर आती कमिया के मुंह चो सेक चंगा नहीं लगता बुलजिला तेरे मुंह चो निकली हुई है अग मैं तेरे ही लहू न ठंडिया कर दिया तेरे जे कई सालमा ने गरीबा के लहू न हवेली के फलूसा में पा लिया लोगों ने उन्होंने छत्तों में अग के चंगारे उठते वेखे फिर कई बगैरता ने साडे जा मुसलूमान का मुर्खा वेचिया उन्हें सजा पढ़ के सालमा ने सीने की चल भी कर दी हूं तू भी गरीब के खून में मिट्टी भी सुट के वेख ला इस धरती में लाला फुरता तेरी औलाद वेखी ओए मेरी अख च भी देर का वाल है मेरे सीने में भी घर तले प्यो का खून मैं तेरी लाश में पठिया में गुतर के रख देगा गरीबा ते पहले ही गरीबी ने अद्धा मार दिता हुंदा ते फिर तैनु मार के फाए लगन की लोड़ ओए जे तुसी गरीब बेटे मुर्दा हुंदे हो फिर तू अपने पुत्र नु कफन पा के घरों बाहर कढ़िया कर जो फिर घरों बगैरता मैनु मां दे असल मतलब का पता ही नहीं ते अज तेरी लाश ते तड़पदी नजर आती ते फिर उसे मां दे दुपट्टे नु वेखदा होया मेरे पिछे तुरी आ पुत्रा इसलिए कि इन जालमा ने अज तक सिर्फ जुल्म दा रूप ही वेख्या होया ते अज पहली बार एक मां दे दूध नु ताबेदारी करुड़दा होया भी वेखन आ पुत्र मेरी अख शेर का वाल है सरकू की अख च शेर का वाल है लाला पर मैं तेरे समझ नहीं आती कि तू उन्हें अपने लिए रहमत का फरिश्ता क्यों गिना पर असि उन्हें अपना दुश्मन भी नहीं कह सकती थी इस घर दिया कंधा में शरफू के कई एहसान दफे अज मैनू दस हा लाला कि वे कहे एहसान ने जिन्हें अज तेरी जुबान चो प्यो की गैरत खो के ते शरफू जो बगैरत को साडा सज्जन बना दिता है वो कहे राज ने जिन्हें तेरी अखा ते मजबूरी का पर्दा पा के तेन एक धी के अथरों की पछाण बुला दी है बोल अज एक रोंदी धी के सवालों का जवाब दे तू ठीक कह रही थी ते गलत मैं भी नहीं कहना असि गरीब हाँ सानू रोटी चाहिए एड्डी लंबी चौड़ी दुनिया में शरफू के सिवा कि सज्जन है जरा इस घर की भुख बना शरफू वाकई इस घर की भुख बना लाला इसलिए कैसे एक धी की जवानी खुले आसमान थले फरियादी बन के खलोती हुई है शरफू वड्डा जिम्मेदार बन के साडे सिर पर हाथ रखता है इसलिए कि वो लालची से बगैर अखा का नशा पूरा होता है शरफू साडा राजक बन के आंदा है इसलिए कि उन्हें रिजक देने वाला रब भी खरे साडे कोलों दूर वेख्या चाचा चाचा किथे गया है मैं तेरे नाल एक दूरी गल करना है क्या लाला शरफू अज मैं बार बाग च मिले क्यों खरे तेन उस मुलाकात की फीस देने आया की गल है चाचा बड़ा सिर सुत के आ रहे हैं खैर ते है ना खैर ही है शरफू
उंज किसी वेले ताजी अपनी मां दी पुरानियां गल्लां छेड़ के सीने विच अग ला गई। वो तेरे पुत्र दे जिउंदिआं तेरे सीने च कौन अग ला सकता चाचा? ऐला फड़ नोट ते इन्हां दी रेत बना के उस अग नूं ठंडिया कर दे। ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆ ਸਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਐ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਾਇਤ ਜੀਂਦੀ ਕਿ ਕਬਰ ਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜੀਏ ਵੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਖੋਲ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੱਟ ਬੰਨ ਲੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਕੇ ਬੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਤਾਜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਹੱਕ ਤੇ ਵਾਕੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੀਨ ਵਕਾਊ ਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਐਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪੈਣ ਦਾ ਐਡਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ। ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਲੇ ਬੰਦ ਆ ਜਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਚਾਚਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਰ, ਜਵਾਨੀ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਖ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਜੀ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਨੀ ਗੈਰਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ, ਸ਼ਰਫੂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਫੂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਖੇਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ? ਸ਼ਰਫੂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਕੈਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮਾਂ, ਇੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਧੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਤਕਦੀਰ ਆਪ ਮੁਨਸਿਫ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਰਜ਼ਾਈ ਦੀ ਜੱਗ ਸਤਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੁਲਰ ਦਾ ਪਾਂਬੜ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾ ਲੋਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਨਾਜੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਜੋ ਨੂੰ ਭੈਣ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਭਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਾਬਿਆ ਦਾਸ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਫੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਗੈਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਮਤੀ ਸੁਣੀ ਪੜਦਾ ਕੰਦਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਫੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੀਟ ਰਹੀ। ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨਾ ਜੀ। ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵਾਨ ਦਿਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੱਥੀ ਦੌਲਤ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੜਾ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਓ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਟ ਚੋਰਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਗਲਾ ਕੱਟਣ ਦਿਆ ਜਾਂ ਬਹੋਰੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਨਾਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਫੱਜਾ ਨਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਕਰੋ ਬੰਦ ਦੇ ਅੱਜ ਆਜਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਣੇ ਓਏ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਕਟਵਾਈ। ਓਏ ਮਲਕ ਮੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀਦੇ ਕੱਟੂ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਲੀਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਤਾ ਕਰੀਮਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਤੀਮਾ ਵਾਲਾ। ਓਏ ਦੱਸ ਓਏ ਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਈ, ਦੇਖ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਲ। ਓਏ ਬਖੋਰੇ ਉਸ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਦੇਗਾ। ਓਏ ਫੱਜੇ ਨਾਈ ਤੇ ਖਟ ਬਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਪਣ ਆਏ।
कदी अपनी हमशीरा जन के भैन मेरी महबूबा नूरी बल्द आए चाचा करम मिले और मिली सी कल मेनू कहती सी मेरे भाई जान सलाम दे बेड़ा गर्व होवे जे लड़ाइया छड़ो ते आपो अपना कारोबार करो जाके जा पुत्र छीदिया क्रीमा वेच ते घर तैन नूरी की मां भी बुला नूरी की मां उस बुरी का मैनू कि उड़ी असल पुत्र ते मेरा तू है वो इसलिए के हर रोज दाड़ी तू मेरी मुफ्त मुन्ना हर रोज मैं तारी दाड़ी मुफ्त मुन्ना तुसी मैनू अपना दमाद मान लिया पग सिर्फ बहादुर की जायदाद है सिर्फ गैसा वाला सिर ही कबूल करता और जे मैं इस पग सने तेरा सिर ला के ला जा तो फिर मैं ये समझांगा मेरी मां के दूध विचों गैरत मुक गई थी मेरे प्यो के खून ने मैं सिर्फ बेगैर का रंग दिता है और मेरी अख भी छेर दबा ने अपनी गरीबी बगैरती हाथ कड़ी में बजन दी तू मेरे पैरों में अपनी ममता की बेड़ी क्यों पा गई वे मैं तो सिर्फ तेन इना दस आई हूं नाजी तू बेशक मां की ताबेदारी बुजदी नहीं समझ के अपने बाहों का जोर वेख ला पर जो तेन कुछ हो गया तो दुश्मनों ने तेरी मां की कबर से फातिया नहीं पड़ी उसे बेगैरती के अड्डे बना लेने पर सुचा नहीं किए मां वे जो पग प्यारी है तो बलम फड़ के मां का स्यापा मुका दे जे मेरे अथरू नाल प्यारी तो अपने सिर की पग में शर्फू के हवाले कर दे एक मां का हुक्म है लै भाई शर्फू मां ने तेरे हक में फैसला दे दिता है ते मैं यदा मान तोड़ के अपने रब न नाराज नहीं कर सकता पहला फर पग भावे अपना दुश्मन समझ के किसे तंदूर भी सुट दे भावे फतह का निशान जान के इनू अपनी हवेली से सुगाठा बन ले और जान तो पहला एक गल होर सुन ले मेरे बुजुर्गों ने ताडे मर्दा नु हुक्म दिता सी जो पगों बगैर घरों बाहर निकलन ते मैं अज ये हुक्म देना साढ़े घर दियां औरतां
नंगे फिर करो बाहर निकल। पुत्र मेरे बुजुर्गों ने ताड़ियां पग्गां लाइया था, मैं ताड़ियां चादरां ते दुपट्टे ला लैंदा, ओए मेरी अख ते शेर दा लाल। वे जे पग प्यारी है तो बलम फड़ के मां दा स्यापा मुका दे, ते जे मेरे अखियों नाल प्यारी ते अपने सिर दी पग नूं शब्द दे हवाले कर दे, ऐ इक मां दा हुक्म। नंगे सिर फिर कि बर्दाश्त करेगा, और इस नस्ल का हमें खात्मा कर। हूं मेरा रात छे मां पिंड के लोगों मैं तेरा मान नहीं तोड़िया, पर हूं घर से कहती अज जिंदगी मां की बाधी ला के इस कान की गुआती हुई तकदीर नहीं मोड़ लिया। अपने निशाने ने मां के सीने से जरूर अजमा ले, किधर गोली चलाने तेरा वार खा ली ना जाए। तो समय भी क्यों नहीं मां, आज तो पहला इस कार दिया पगा सुषमा गगामो करम से था, जे असी मामा दे सिरा नहीं नंगा रखने का फैसला तुम के चुप कर रहे, साढ़े बाप दिया नसा इन्हें एक रसम समय के मामा पैरों के सिरा नंगे रखन कर दिया, हूं वक्तान तो पहला मैंने यदा खात्मा कर लेंगे मां। मेरे सीने च लुके अग दे चंगारे में ठंडे ही रहन दे पुत्र, जे मैं गरज नहीं हवा दे दी थी पड़क के सारी जमीन के शर्फ अपने चेहरे च ले लेना, जे तू बंदूक की नाली नहीं करे तो मैं तेरे वादा कर, मैं एक दिन मां मुंशी जरूर बन लगा। ओ दिन खबरे कदों आवेगा मां, जब मैं भी घर का पिंडा लैके शर्फ के सीने में इंसाफ रखूंगा फसला हूं। ओए मेरे अगे उच्चा बोल के किसी ने अपनी मौत नु आवाज मारनी है नूरिया, उस वेले भी नाजे की मां विच ना आ जाती, मैं उस दूसरे बदमाश नु पग बनन दा मां खा देना। अपने बुजुर्ग की रस्म पूरी करके मैं दस दिता, मैं बहादुर प्यो का पुत्र हाँ। बहादुर नंगे सिरा अपनी गैरत की छा ना टप देंगे, उन्होंने दिल से गरीब से मजबूत दिया पैरों भी तड़कता है, लू लू में हर वे शराफत का दम चमका माता रहा है, पर मैं तेरे बेहसी बेहयाई के शराफत भी नहीं देखा। मां तू मेरे दुश्मन की सच्ची बन के अपने लहू नू बेगैरत बना दिता है, जे मेरा लहू गैरत वाला हुंदा चरसू जस मेरी अखा चो अथरू नहीं कुछ नसीबी के मोती टिकने सन, मेरे मुंह च सुखा की गर्मी नहीं आखियां की ठंड वसनी सी, मेरे कन्ना ने चरसू ली बतावा नहीं तोवा सुनिया सन। हुण भी किसी की जरूरत नहीं मां, तेरे पुत्र की अख चख पा के देखी, मैं नाजे की मां नंगे सिर घरों निकल का फैसला दिता थी, जो गैरता वाला हों मेरे मुंह एक गल सुन के मेरी जबान से गोले रख देता। पंजाब का पुत्र खानू मां की जन्नत साफ साफ पे लगती है, वो गैरता वाला भी है जरा बड़े पिंड तेरे मुंह से दौलत की कालक मल के अपनी मां के पैरों पिछे तुर गया, वे एक इंसान भी है जरा तेरे के शैतान अपने सिर से वेख के भी खुदा की रहमत तमायो नहीं होया, पर अब तू लाते थी बेगुनाह जबान अपनी मां मुंह सुन लै, जे तू इस धरती की कितने मां का सिर नंगा किया शराफत दे एक दिन की जिंदगी बदमाशी के बारह वरे को चंगे होंगे, ऐसे लेते मैं शर्फू के हथों लगी हुई कालक लैके तेरे बेड़े में हाथ जोड़न आईया पैना, मेरे पुत्र करतूत दसन तो पहला मैं गोली जरूर मारनी पैना, इसलिए लोग मेरी लाश नू देख के एना जरूर सोच लें कि बगैर पुत्रा की मावा का आखिर की हुंदा है। गरीब दे घर आके सवाले की जिंदगी बहुत ही होंगी है भैन, तू शर्फो की मजबूर मां बन के इतने पैर रखे ने, तो मैं नाजे की इज्जत बन के तेन फूलों के हार पवा अल्लाह चाचा, तो फिर अखा सुखा प्यार चंगा नहीं लगता, मैं तो इस घर पुत्र बन के आता रहा, मैनू की पता से तेरी नजर मैं कखों भी होना वा, यह जी रुखिया गल् करके मैं गुनागार क्यों करना गा शर्फू, तू तो इस अनेरे घर का चानने नहीं अंदर ना लाना बह जा।
एहसान जतांदा आदमी चंगा तो नहीं लगता, पर गल करन जोगी हुंदी है। तू हुण तक जिन्ना कर्जा मेरे को लैंदा रहा, अगर तू सारा जमा करके ते मैनू वापस करना चाहे तो क्यामत तक नहीं कर सकता, ठीक है ना? ऐसे लई ते गरीबी नूं लाह, तू सारी जिंदगी लई तीनू घर ते नहीं ना बिठा छड़ना, आखिर हुण डोले पाने ही ना। गल ते ठीक है पुत्र, तू फिर मेरा सज्जन बन के इस पिंड च कोई चंगा जा बार ढूंढ दे। चाचा जिस पिंड च तेनू कोई मेरे नाल चंगा मुंडा नजर आ, फिर तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना पुत्र बना ला, मैं अपने सारे मुरबे च लाल हवेली ताई के नाल आ देना। सिर्फ तू तो बंदे के रूप में कोई फरिश्ता है पुत्र, मैं नहीं रिश्ता मजबूर। अच्छा चाचा, अच्छा खुदा चाचा की गल करती है, आई तो सहेली के घर है, ते अखा ते तू कितों लै रही है? तैनू अपना दर्दी समझ के बदनसीबी का वार दसन आई है नाजो, अज दौलत की जीत हो गई है ते ती दी लड़त ने हार मान ली है, ते उहदे नाल ही डाढ़िया ने दौलत की सूली ते मेरी फांसी का हुक्म भी सुना दिता, पर तैने मैनू उस जालम का नाम दिता जिन्हें तैनू बेकसूर जान के दिल से वार दिता, डरदी है उहदा नाम सुन के किधरे डोल ही ना जाए, इहो जिहे सहेलियां नू जमान दे वेले हुंदे ने अड़िए। फिर गौर नाल सुन नाजो, गाह तेरा भरा शर्फू है, दुकानदार मेरा प्यू है, ते विकण वाला माल तेरे सामने खलोता है, हुण तू दस मैं इस दुख दा मुनसब किनू बणावां, ते जुलम नाल टक्कर लैण वाली तलवार किधर हथ पिया? अल्लाह दी रहमत कोल मायूस होना सब तों वड्डा गुनाह सा जी, तू हुणे खुद जाके नाजे नूं अपना सारा दुख सुना दे, ओ जरूर तेरा भरा बन के जालमां नाल टक्कर लैण जाएगा। मैं नाजे कोल जरूर जावांगी, जो उहदे सीने च पैण दा प्यार होया ते मेरी अखां दे थल्ले जरूर पहुंचेगा। अल्लाह तेरी इस गल का मान रखे ताजी, चली जा ताजी, मेरा सीधा तेरे अगे दुखा का भरिया होया, मैं हूं होर किसी का दुख नहीं सुन सकता। मैं फकीर नहीं समझ के मेरी प्यार सुन ले, ते भावे भैन समझ के मेरा रुख लवा दिया तेरे घर। अरे बस तीजी उदारा पुत्र, फिर चनो अठवीं शेरे बन के जंज लैके आ, वो खुश कर दे चाचा, जिंदगी की पहली बार काम की गल की रहे थे खुशी लम्बे ही नोट लै। एक गल याद रखी, ताजी नू सोने ना लद के डोले च पाई, अल्लाह तेन पोता तेरे कोल।